अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे। अक्सर औकात एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी मैं ये शौक शुरू करना चाहता हूँ, मैं हॉबी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। बड़ा वाइटल क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत लोग बहुत तरीक़ों से देते हैं, बट मेरा जवाब देने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ किस तरह से है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जिसको जवाब दे रहा हूँ उसके हिसाब से दूँ। इसी वजह से मैं अक्सर औकात लोगों को ये कहता हूँ कि आप मुझसे कॉल पे रब्ता करें ताकि मैं आपको बेहतर गाइडेंस दे सकूं, ताकि मुझे पता चले ना कि वो बंदा सोच क्या आ रहा है, बजाय कि मैं जस्ट उसको अपने हिसाब से एक जवाब दे दूं कि आप ये चीज़ रख लें ये चीज़ रख लें, तो उसका नुकसान हो सकता है बजाय फायदा हो। तो कोशिश करें पहले अगले के मामलात को समझें। हम देखें ना, एक आदमी ने जस्ट शौक के लिए करना है और एक स्टार्ट लेना है, वो बिल्कुल माइंड स्टार्ट लेना चाहता है, तो वो कॉमन बजी से भी, कॉमन ग्रेस कॉकटेल से, कॉमन लव बर्ड से, इन चीज़ों से स्टार्ट ले सकता है। लेकिन एक आदमी जो है वो चाहता है कि जी मेरे पास फंड्स हैं और मैं ज़रा स्टार्ट लूँ इस तरीके से कि मेरे पास, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने वाले भी हों और हाथी के दांत खाने वाले भी हों, तो वो कॉमन बर्ड्स भी रखे और वो एक्सपेंसिव बर्ड्स भी रखे, फिर इतना जिगरा भी रखे कि भाई मैंने अगर एक्सपेंसिव बर्ड रखे हैं तो ये मर भी सकते हैं और उनके साथ मामला भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का भरोसा नहीं तो परिंदे की ज़िंदगी का भरोसा कहाँ हो। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, सबसे पहले और अहम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर किसी ने कुछ करना है तो वो बर्ड शुरू करे। अगर वो शौक से करना चाहता है, सिर्फ शौक से करना चाहता है, तो वो जो है ये करे कि वो वाला बर्ड रखे जो उसको पसंद है, बजाय कि वो उस परिंदे की तरफ जाए जिसके बारे में यासर भाई या कोई और बंदा कह रहा है। क्योंकि अगर एक बर्ड आपको पसंद ही नहीं है, आप उसको रख लेते हैं और उसमें से सपोज आपको बेनिफिट्स नहीं होते, तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और आप हॉबी से दूर भी हो सकते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि अगर सपोज आप ये चाहते हैं कि मैं बर्ड की नो हाउ लूँ और फिर उसको आगे लेके चलूँ और अभी बिल्कुल माइनर सा इन्वेस्टमेंट करूँ, तो उसमें आपने ये करना होता है कि आप बिल्कुल जो है वो ऐसे बर्ड चूज करते हैं जो बिल्कुल कॉमन कैटेगरी के होते हैं, ताकि आप थोड़ा सा बर्ड्स को समझ सकें और उसके बाद मूव कर सकें। पेट्स में भी इसी तरीके से है। उसके बाद जो है एक कैटेगरी वो आती है जो लोग ये कहते हैं कि जी हम पहले दिन से ही इसको एज अ बिजनेस टेकअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो पहले अपने अंदर एक हॉबी जो है उसको भी ज़िंदा करें और फिर बिजनेस का सोचें। क्योंकि देखिए, हम लोग शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं करते। हम लोगों को पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती क्या है, हमने मामलात को लेके किस तरीके से चलना है। हम तो वो कहते हैं ना, 4 दिन में अरबपति होने के ख्वाब लेके बैठ जाते हैं, और बहुत से लोग माजरत के साथ, शायद बहुत से ब्रीडर इस चीज़ को बुरा मान जाएंगे कि बहुत से बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं जिनका शायद हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। अक्सर अवकात जो चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं उनमें कई दफ़ा आमेजिश भी होती है, मिर्च मसाला भी होता है, लेकिन कई दफ़ा वो चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन वो आपके लिहाज से क्यों नहीं सही होती। वो इसलिए सही नहीं होती कि वो जो बंदा आपको चीज़ें बता रहा है वो अपने हिसाब से या एक सिचुएशन के हिसाब से आपको मार्केट की उसकी एवेल्युएशन करके दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हर बंदे के लिहाज से चीज़ें उस तरह नहीं चलती। जो जितना बड़ा नाम है उसके लिए वो चीज़ बेचना उतना आसान है, जो जितना छोटा नाम है उसके लिए वो चीज़ बेचना उतना मुश्किल है। तो हमें कई दफ़ा इन चीज़ों को समझना है, और फिर एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, चाहे आप शौक से कर रहे हैं, चाहे आप बर्ड को जानने के लिए कर रहे हैं, या चाहे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, आपको बर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और कोशिश करें एक जगह से नहीं, 2-3 जगह से नॉलेज लें। उस नॉलेज को लेने के बाद अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करें कि आप उस नॉलेज को चेक भी कर सकें कि यार यासर भाई ने ये बात की थी, को बाद में वजन भी है या ऐसे ही हवाई फायर मारते रहे। तो मैं इसी वजह से हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मेरे से आप क्रॉस क्वेश्चन भी अगर करना चाहें तो करें, लेकिन आपकी बात में वजन होना चाहिए। अब कई लोग मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तो करते हैं या बातें तो करते हैं, लेकिन वो फंस क्यों जाते हैं? वो फंस इसलिए जाते हैं कि उनकी बातों के पीछे लॉजिक्स नहीं होते। जब लॉजिक्स नहीं होते तो फिर मुझे वो खुद मौका प्रोवाइड करते हैं कि मैं उनकी बातों के अंदर से ही बातें निकाल के उनके सामने पॉइंट रेज करूँ, और फिर वो बाद में कहते हैं जी आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आप तो पीछे पड़ गए हैं। तो बात यह है कि आप खुद ब खुद मेरे उस इंस्टिंक्ट को जो है वो जगाते हैं, जो इंस्टिंक्ट बेसिकली फिर आपको पकड़ के दिखाता है कि भाई आप कहाँ पे गलत हैं। अब कई लोग इतने माजरत के साथ हठधर्म होते हैं कि वो कभी नहीं मानते, उनको चाहे लॉजिकली प्रूव कर लो, वो अनलॉजिकली बात भी करेंगे तब भी कहेंगे कि हम ही ठीक है। तो देखिए, बर्ड हॉबी करनी है, चाहे आपने शौक से करनी है, चाहे आपने बर्ड्स को समझने के लिए करनी है, चाहे रिसर्च पर्पस के लिए करनी है, चाहे आपने जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए करनी है, आपके पास साउंड नॉलेज होना जरूरी है।
और उन लोगों को फॉलो करें जो आपको साउंड नॉलेज देते हैं, बजाय कि आप उनको फॉलो करें जो मिथ देते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि बर्ड कौन कौन सा आपको रखना है। देखिए, अगर आपने शौक से करना है तो वो बर्ड सिर्फ और सिर्फ वो बर्ड रखें जो आपको पसंद है। उसके अलावा आप कोई रखना चाहें तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन उसको शौक तक करें। कोई एक्स्ट्रा बर्ड आते हैं उनको प्रॉपरली तरीके से सेल करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ड खरीद रहे हों, जब उनकी ब्रीड आती है तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बर्ड बिल्कुल कचरे के रेट पे बेच देते हैं। एक तो हमें लोग इस तरह की बातें करते हैं, हमारे कान भरते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तबाह होगी जिंदगी, बर्बाद होगी। और दूसरा हमारा लालच क्या होता है कि भाई जितने में बेचता है बेचो, कोई बात नहीं, खैर है, पैसे तो आ रहे, ये जितने दिन मेरे पास रहेगा उतने दिन दाना खाएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि हम खुद ब खुद बर्ड की प्राइजेज उनको गिराने में एक ऐसा बन जाते हैं, और बाद में हम रोते फिरते हैं कि जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दूसरी चीज जो इसमें इफेक्ट कर रही होती है वो हम खुद हॉबियर, एक तो ये कि हम खुद सस्ता बेच देते हैं, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई इसी के अंदर कि हमारे कान भरे जाते हैं कि यार मामला खराब है तो पता नहीं इतने का भी बिकेगा या नहीं बिकेगा या और रेट गिर जाएंगे। या सबसे मेरे ख्याल से बुरी चीज ये है कि हम लोगों की सोच इस तरह बना दी गई कि बर्ड की प्राइजेस गिरती, हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक पैनी का, एक पैसे का फर्क नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो है माजरत के साथ सोच ही ऐसी बना दी गई है, क्योंकि वो आपको एंटरप्रेन्योर नहीं, ये आपको बिजनेसमैन नहीं, ये आपको हॉबीयर नहीं, बल्कि वो आपको अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं। इस तरीके की वजह से वो आप लोगों को इस तरह की बात करते हैं। तो इस बात में बिल्कुल बिलीव ना करें, बर्ड की प्राइस इंटरनेशनली कभी नहीं गिरती। सबसे ज्यादा मार्केट जो है वो कॉमन बजरीगर्स की है, कॉमन कॉकटेल्स की है, कॉमन लवबर्ड्स की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये सेल होते हैं। तो हमें क्यों कहा जाता है कि इनकी कोई वर्थ नहीं है? क्यों? क्योंकि वो अगर ये कहें कि इनकी वर्थ है तो उन्होंने जो माल रखा हुआ वो कौन खरीदेगा? और दूसरी तीसरी चीज क्या की जाती है बड़े लोगों की तरफ से, आप लव बर्ड वाले की तरफ जाएं तो वो बजरी गर्ल्स को और कॉकटेल्स को गालियां देगा, कॉकटेल वाले को जाएं तो वो उनको गालियां देगा। तो ये गलत है। देखिए, अगर बर्ड हॉबी में किसी ने लव बर्ड लगाया हुआ, किसी ने कॉकटेल लगाया, किसी ने बजरी गर्ल लगाया हुआ, वो लगा के बैठे हैं तो वो बर्ड हॉबी में है भाई। बर्ड हॉबी अगर इसका सर्कल चलेगा तो मामला चलेगा। आज आप बजरीगर को गिराते हैं तो कल लव बर्ड गिरेगा, कल लव बर्ड गिर रहा है तो परसों कॉकटेल की बारी भी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बस ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं बस दूसरे को गिरा ले, हम खुद खड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं शौक की बात कर रहा था, शौक से ये चीज रखें। दूसरा, आप अगर सीखना चाहते हैं बर्ड्स के बारे में तो कोशिश करें कि वो बर्ड रखें, कॉमन बर्ड्स रख लें, इन्वेस्ट ज़्यादा ना करें। कॉमन बर्ड बहुत कुछ आपको सिखा जाते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ बर्ड। वो बर्ड्स अपने पास रखें, उनको आप वक्त दें, उनके साथ वक्त गुजारें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उनके सही नाम जानें। हमें तो उनके नाम ही नहीं पता, हमें उनकी हेरिडिटी नहीं पता। मैं बार बार कह चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि अगर हमें बर्ड की हेरिडिटी और सही नाम का नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है खाक के अंदर बस हाथ मारते जा रहे हैं, बल्कि खाक को अपने ऊपर डालते जा रहे हैं। ठीक है ना, हम वो जिस तरह कहते हैं ना कि हम अगर किसी रेगिस्तान के अंदर हों और अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो हमें रेगिस्तान के अंदर जो है पानी नजर आना शुरू हो जाता है, हालांकि वो होता नहीं है। तो कई लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो रेत को पानी जो है समझ के अपने अंदर करना शुरू कर देते हैं इनहेल, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि वो चोक हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो हम अपने आप को उस सिचुएशन पे ना लेके जाएं कि हम मर जाएं। तो प्लीज, अगर हॉबी जिंदा रहेगी, किसी ने लव बर्ड रखे हुए हैं, किसी ने बजरी घर रखे हुए हैं, किसी ने कॉकटेल रखे हुए हैं, किसी ने बड़े परिंदे रखे हुए हैं, किसी ने फिंचिस रखी हुई है, खुददारा उनको रखने दें और उसके बाद मामलात को लेके चले। और इन्फॉर्मेशन जो है सही नाम से परिंदे को बुलाने की कोशिश करें, दूसरा उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन लें। तीसरी चीज की अगर आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखने हैं, देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा आप कभी भी किसी दुकानदार को देखें, किसी को भी देखें, कोई भी बिजनेस आप देख लें तो उसके अंदर वो बिजनेस जरूरी नहीं है कि पहले दिन से चल जाए। उस बिजनेस को टाइम लगता है चलने में। जिस तरह एक पंजाबी का माकूला है, पहले 6 महीने चट्टी, फिर हट्टी और फिर खट्टी, मतलब तीन उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि पहले हिस्से के अंदर वो 6 महीने पे भी हो सकता है, वो साल पे भी हो सकता है, वो 2 साल पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री पीरियड्स चेंज होते रहते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता है, शॉर्ट टर्म में नहीं आता। तो क्या होता है कि आप पहला कुछ अरसा जो है अपना नुकसान भी करते हैं, लेकिन आप उसके साथ स्टक रहते हैं। फिर उसके बाद जो है आप इतना कमा रहे होते हैं कि आप अखराजात पूरे हो रहे हो, और फिर उसके बाद जो है आप प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो ये तरीका होता है, ये नहीं होता कि आप पहले दिन से ही प्रॉफिट्स का सोचना शुरू कर दें।
जरूर सोचें जरूर, बट प्रॉफिट्स पे टोटली फोकस ना करके बैठ जाएं, क्योंकि आपकी ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है और आपको फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा मुश्किलात से गुजर के आगे आता है ना, तो हमेशा सारी जिंदगी कामयाब रहता है, क्योंकि मुश्किलात बहुत कुछ सिखाती हैं। और वहीं पे अगर जल्दी कामयाबी मिल जाए, तो क्योंकि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। और उन नुकसानात की वजह से क्या होता है कि आप क्योंकि कुछ सीखे नहीं होते, तो जब आपको आगे प्रॉब्लम आती है, आप उस प्रॉब्लम के अंदर बुरी तरह कोलैप्स कर जाते हैं, और कोलैप्स करने के बाद आप उस चीज से बिल्कुल जो है या उसको खड़ा ही नहीं कर पाते, या आप उसको उस हालत में लेके चल रहे होते हैं कि वो कहते हैं ना, ना जिंदों में काउंट किया जा सकता है, ना मुर्दों में काउंट किया जा सकता है। ऐसा बिजनेस जो ना मतलब जो है नुकसान में चल रहा है, लेकिन आप उसको चला रहे हैं। तो देखिए, इस तरह बिजनेस में क्या करना होता है आपने, कि आपने ऐसा आइटम भी रखना है जो एक आम आदमी ले सके, और एक ऐसा आइटम भी रखना है जो एक्सपेंसिव भी हो, म्यूटेशन भी हो। बिजनेस करने के लिए आपको अपना नाम बनाना है, नाम करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और कोशिश करें भाई, नाम बहुत लोगों ने बना लिए हुए, लेकिन अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उनके पास नॉलेज नहीं है, या अगर नॉलेज है तो वो प्रॉपर नॉलेज पास ऑन नहीं करते। दूसरी चीज ये कि वो लालच इतना भर देते हैं अगले बंदे के अंदर, या इतनी गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं उस बंदे के खिलाफ, जो बंदा सही भी हो लेकिन उनके अगेंस्ट हो। जब तक वो उनके साथ होता है वो ठीक होता है, जब उनके अगेंस्ट हो जाता है तो वो उसके खिलाफ गली गली जबान इस्तेमाल करते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा कि बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि जो आदमी जो है अपनी बातों पे पूरा नहीं उतर सकता, या जिसकी बातों में तजाद होता है, जो आदमी गली जबान इस्तेमाल करता है और बिला किसी वजह के गली जबान इस्तेमाल करता है, वो आदमी किसी का सका नहीं है। क्योंकि जो आदमी अपनी बातों पे पूरा नहीं उतर सकता, उसकी बात पे आप क्या एतबार करेंगे? जो अपनी बात ही चेंज कर देता थोड़े थोड़े लम्हे के बाद, उसका आप क्या एतबार करेंगे? और जो आदमी गलीज जबान इस्तेमाल करता है, वो कहीं भी आपको शर्मिंदा कर सकता है अपनी गलीज जबान की वजह से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ करनी है, कहाँ कौन सी चीज़ नहीं करनी। बहुत से बड़े बड़े नाम जो है वो इस वजह से बर्बाद होके रह गए हैं, या बदनाम है, कि वो गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं। अब बिजनेस में आपको बर्ड्स जो हैं वो नॉर्मल भी रखने हैं, एक्सपेंसिव भी रखने हैं। आपको नॉर्मल म्यूटेशंस भी रखनी है, रियल म्यूटेशन भी रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस बर्ड को मैं इससे ज्यादा सस्ते में सेल ना करूं, नहीं तो इस बर्ड की मैं वर्थ खुद ही खराब कर रहा हूं। जब मैं खुद ही खराब करूंगा तो ब्लेम मैं किसी और पे क्यों दूंगा? तो ये चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तो हमेशा बर्ड जब क्या स्टार्ट कहाँ से लेना है, वहां से अपने प्लान्स के हिसाब से लेना है। और मशवरा हमेशा बुजुर्ग कहते हैं उससे लिया जाता है जो मशवरा देने के काबिल भी हो, जिसको पता भी हो कि भाई मशवरा देना क्या है। एक आप वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, अगर एक बंदा है ही कुएं का मेंढक, तो वो आपको उसके कुएं के बारे में ही बताएगा ना, उसके लिए सारी दुनिया वो कुआं है, बाहर कुछ नहीं है। मैं कभी किसी बर्ड को बुरा नहीं कहूंगा, मैं किसी को कभी ये नहीं कहूंगा कि ये चीज छोड़ दो, ये चीज लगा लो। भाई, अगर आपको लगता है कि आप इसमें मेहनत करके कमा सकते हैं और आप इसको पसंद भी करते हैं, तो सबसे बेहतर चीज ये होती है, या सबसे बेहतर बिजनेस वो होता है। वो कहते हैं ना कि एक आदमी वो काम सबसे अच्छा कर पाता है जो उसका शौक भी हो और वो काम बन जाए, ठीक है ना, जो एक कमाई का जरिया भी हो लेकिन उसका अपना शौक भी हो, उसका अपना इंटरेस्ट भी हो, सबसे बेहतर वो होता है। तो इंशाल्लाह इस तरह की मजीद जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, इसके साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।